नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, आपकी पैसे ध्यान से सुनिएगा। हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ एक लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम कहते हैं कि द पर्सनैलिटी हैज़ गो द प्रेजेंट पर्सनैलिटी। ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं, उन्हें हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, लाइक किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, जॉब में उन्हें प्रमोशन भी जल्द मिलती है। नेचुरली हम सभी ऐसे पर्सनैलिटी प्रोसेस करना चाहेंगे, और आज मैं अपने इस आर्टिकल में ऐसे ही 10 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने ताकि आपको भी एक आकर्षण व्यक्ति पाने में हेल्प कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे बड़ी चीज़ है मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। मुस्कुराना जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरह के रिलेशन में लागू होती है। इसलिए आप जब भी मिले किसी से तो चेहरे पे एक स्माइल लाइए। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मिलकर खुशी होंगे। आपकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट ना मिले ऐसा काम नहीं होगा, और होता भी ऐसे ही है। मुस्कुराहट से एक और फायदा भी है। एज पर सम रिसर्च, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं, तो उसका असर हमारे इंटरनल मूड पर पड़ता है, वो अच्छा हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू क्राई ए स्वीट स्माइल एवरी वेयर यू गो। नंबर 3, नाम रहे ध्यान। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो बीच बीच में उसका नाम लेते रहें। ऑफकोर्स अगर व्यक्ति सीनियर है तो आपको उसका नाम के साथ सफिक्स या प्रफिक्स लगाना होगा। बीच बीच में नाम लेने से सामने वाले आपकी इम्पोर्टेंस फील करता है, और साथ ही आपकी तारीफ ध्यान भी अधिक देता है। आई से पहले यू को रखें, ओके? आप किसे अधिक पसंद करते हैं, जो अपने मतलब की बात करे या उसे जो आपके मतलब की बात करे? ऑफ कोर्स आप दूसरे ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक इंसान पहले खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ, इज नॉट इट। पर आप इसे अलग करिए, आप आई से पहले यू का इस्तेमाल करिए। बोलने से पहले सुनिए। कहते हैं ना, जब आप दूसरे से इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से ही आपका जवाब ख़त्म करे। आप अपनी राम कथा सुनाने लग जाए। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी, और बीच में इसमें रिलेटेड और भी बातें करनी। फॉर एक्स अगर कोई कहता है कि घूमने का शौक है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्या है, ओके? सबसे और अच्छा लिसनर की डिमांड कभी कम नहीं होती। एक अच्छा लिसनर बनिए, देखिए कि किस तरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं इससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। फॉर एक्स आपसे कोई गलती हुई है तो आपके मुंह से सॉरी बोलते हैं तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हमें न सिर्फ सॉरी वर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि उसी किस तरह से कहा जा सकता है इस बात पर ध्यान रखना। इसलिए आप अपने टर्न और बॉडी लैंग्वेज से ध्यान कीजिए। जितना हो सके पोलाइट और वेल मैनर तरीके से ही बात करिए, ओके? बिना
अपना फ़ायदा सोचिए, लोगों की हेल्प करिए, अपने एक्सटर्नल अपीरेंस को अच्छा बनाइए। अपीरेंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि जिम जाने लगिए, बॉडी बनाइए या फिर ब्यूटी पार्लर जाकर चक्कर लगाते रहिए। इट इज़ मीन सिंपल्स और ओकेशन के हिसाब से ड्रेसअप होइए। पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें जैसी आपकी हेयर कट, नेल्स, पॉलिश, शूज़, पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। अपीयरेंस कर सकते हैं खोजिए, क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं खोजिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या फिर मिस्टर बचपन बच्चन। तारीफ सुनना सबको पसंद है, लोगों का दिल जीतना का अपना फ्रेंड बनाने का ये शानदार फार्मूला है। लगातार ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम सब इम्प्रूवमेंट का इंडिफिनिट स्कोप, इसलिए कभी ये मत समझिए कि बस बस जितनी इम्प्रूवमेंट होना था उतना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में मैं इतने अधिक मिस्टेक पॉइंट आउट कर देता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आई होप ये 10 बातें पर्सनालिटी के लिए आपकी हेल्प करेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।